गाइस, शमशेरा मूवी के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। ये आपको बता दें कि इसके टीजर को ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। वहीं 24 जून को यशराज फिल्म्स द्वारा इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर 40 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया और अब तक यूट्यूब पे इसे 74 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ट्रेलर में रणबीर बड़े बालों के साथ डाकू के भेस में नजर आ रहे हैं, जबकि संजय दत्त एक ब्रिटिश पुलिस के रोल में। इस मूवी का एक डायलॉग कि गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है, एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। ट्रेलर से लगता है कि रणबीर का यहाँ एक पुनर्जन्म होता है, पर इन दोनों जन्मों का क्या कनेक्शन है ये तो फिल्म देख के ही पता लगेगा। फिल्म 22 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। धांसू एक्शन और कॉमेडी के साथ लगता है कि मूवी सुपर हिट होने वाली है। क्या आप इस मूवी को देखने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, तकिए के बारे में कौन ही बात करता है, लेकिन अगर वो तकिया 40 लाख रुपए का हो तो फिर उसके लिए बात करना तो बनता है। वियोन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे महंगे तकिए को नीदरलैंड के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने डिजाइन किया है। बता दें कि इस तकिए की कीमत 40 से 45 लाख रुपए है। इस तकिए को बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के करीबन 15 साल लगा दिए। इस तकिए के अंदर सोना, हीरा और नीलम समेत कई रत्न जुड़े हुए हैं। इस तकिए के अंदर का कॉटन रोबोट मिलिंग मशीन का होता है। इस तकिए की जिप में 4 हीरे रखे गए हैं। इस प्रकार के एक नहीं बल्कि कई तकिए बनाए गए हैं, लेकिन इन तकियों को यूं ही नहीं बेचा जाता, बल्कि गिने चुने लोगों को ब्रांडेड बॉक्स में पैक करके दिया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लेटते ही नींद आ जाती है और मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। गाइस, क्या आपको ये तकिया चाहिए? लेकिन ध्यान रखिए, महंगा बहुत है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में पिछले कुछ दिनों से आप महंगाई की और इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें सुन रहे होंगे, लेकिन आखिरकार पिछले दिनों श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है और वो पूरी तरीके से टूट गई है। जी हाँ गाइस, ये सुनना किसी भी देश के लिए सबसे बुरी न्यूज हो सकती है, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? श्रीलंका बर्बाद क्यों हुआ? इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। पहला, करप्शन। दूसरा, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। तीसरा, टेररिज्म। और चौथा, कोविड। पिछले कुछ सालों में जब कोविड की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी लॉस में चल रही थी, तब भी वहां की सरकार ने लोन लिया, पर कोई खास विदेशी इनकम नहीं हुई और एग्रीकल्चरल में भी गलत पॉलिसीज की वजह से देश में कोई भी कमाई नहीं हुई। इन सब का नतीजा रहा कि श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। गाइस, क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि इंडिया का बैंक है, उस पर केस कर दिया था? जी हां गाइस, ये बात है साल 2008 की, जब कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक ट्रंप कार्ड नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। और जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस नाम से अपने कई बिजनेसेस चलाते थे और इसके ट्रेडमार्क राइट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही थे, और इसलिए उन्होंने साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बैंक के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक भी कहां हार मानने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस केस को जितना ज्यादा खींचेगा उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और इसी वजह से वो नाम बदलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। वहीं इन दोनों की लड़ाई में कोर्ट पूरी तरह से परेशान हो चुका था और इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब इस मैटर को आप कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लो तो अच्छा रहेगा। और तब फाइनली 3 सालों के बाद साल 2013 में कोटक बैंक ने इस कार्ड को बंद कर दिया। गाइस, भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को जीत गए हो, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद बहुत ज्यादा फायदा मिला और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। गाइस, इसे कहते हैं रियल बिजनेस। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।